Aishwarya. Aishwarya के लिए जोरदार तालियां. Thank you, thank you. Aishwarya, come. No, why? So, or why sitting in mirror road? Come. I have to sit next to you. I mean, like, you look very nice. आप बहुत अच्छी दिख रहे हैं. अरे बहुत अच्छी दिख रही है यार. मेरे को आते कॉम्प्लीमेंट किया. You know my history. History. I mean, I am a very loving guy. Oh, about a pyari ladka. ये लड़की मेरा gender change करके रह गया. Pyari ladka. आप बड़ा प्यारा औरत. Are you married? नहीं नहीं in film. ये तो English में पूछ रहा है. In film. In film, you are married to daddy. Yeah, married to Arjun. But in real life, you are single. Yeah. थोड़ा आगे हो फिर. I mean, would you like to have something? Some tea, coffee. We have a huge budget of 150 rupees. अच्छा ये तो मैं ना आज मुश्किल हो गया काम. क्यों? Only English. नहीं नहीं मेरे को हिंदी मालूम है रे. अरे आलू मेरे पहले तो आई नहीं हिंदी आई तो एकदम दादर वाली निकली. आलू मेरे आशा गावली रोल प्ले करे ना. हाँ बड़ा करैक्टर में है अभी. वेरी नाइस ऐश्वर्या. गुड टू सी यू. थैंक यू इट्स माय प्लेजर. आई नो इट्स अ वेरी बिग शो. कपिल शर्मा. इट्स आपका बड़प्पन है. क्या बोले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. I'll teach you something, okay? Yes. I'll teach you a few words to speak in Tamil. Oh. Okay? Ah, क्या बात है? Tamil. Tamil. Yeah, super. Yeah, जान लगा दूँगा. What do you want to learn? Love. Aha. I mean, okay. How to propose a girl in Tamil. Okay. ये अच्छा है. Tamil में सीख लो. चेपते जाओ जिसको मर्जी. किसी को नहीं पता चलना. ना उन्हें कादर लिख रहे. बोलो. पहली बार में ना. 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 उन्हें ना उन्ना कादर लिख के रहे कादर लिख के रहे. ओ ना उल्ला उल्ला नहीं उल्ला becomes inside. हाँ उन्ना उन्ना becomes you. ना उन्ना हाँ कादर लिख के रहे कादर लिख के रहे same ना ना उन्ना कादर लिख के रहे कादर लिख के रहे. That's all. इसका मतलब क्या है? I love you. बोल दिया आज तो सबके सामने. अच्छा नहीं ना उन्ने काद लिख रहा है. माय एक्सेंट इज गुड. आई मीन गुड गुड द सेम एक्सेंट. नल्ला रखो. अभी तमिलनाडु से. अरे क्या बात. ना उन्ने काली किधर है. काली साड़ी किधर है. कुछ और बोल रहा है. कुछ और बोल रहा है. उन्ने कुछ बात बोल दिया. ना उन्ने काद लिख रहा है. ना उन्ने काद लिख रहा है. सो आई विल से इन मलयालम नाउ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. You're a Malayali? Yes. Oh. वाह. क्या बात है. पूरा भारत. भारत माता की जय. आज तो मतलब अलग अलग स्टेट से. आप कहाँ से हैं मैम? I'm from Malad. Malad. आज Malad में मलयालम बोलते हैं. Malad तो हिंदी. My roots are from Kerala, Cochin. Kochi. Yes. Kerala से. Yes. मेरे को इतने प्यारे लगते हैं ना साउथ इंडियन लोग. मतलब प्लीज आइएगा घर पे. हाँ जी. यू कैन गेट इडली सांबर एवरीथिंग. कैन कम होम. नो नो इन केरला तो इट्स पुट्टू वड़ा. पुट्टू. यस पुट्टू इज अ फेवरेट ब्रेकफास्ट. या यू कैन गिव हिम पुट्टू. यस पुट्टू क्या होता है. पुट्टू इडली से राउंड शेप. पुट्टू से स्ट्रेट. स्टीम सेम. बोथ आर सेम. मैम आई वांट टू नो वन थिंग. यस देयर इज अ डिश व्हिच नेम इज मेंदू वड़ा. मेदू वड़ा. सॉरी मैंने बिंदी अपनी तरफ से लगा दी. लेडीज से पूछ रहा था तो बिंदी लग गई. मेदू वड़ा इज राउंड. वी पुट मेदू वड़ा इन ए चटनी एंड देयर इज ए होल इनसाइड द मेदू वड़ा एंड द होल चटनी लीक. आई मीन हु इन्वेंटेड द मेदू वड़ा. I don't know, but मेरे घर पे मेरे हस्बैंड बनाते हैं मेदू वड़ा. Yes, good.
Was it for to मतलब चटनी बचाने के लिए ऐसा किया गया? South Indian लोग बहुत intelligent पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो बड़ा eaten with sambar and chutney. Sambar chutney हर चीज़ में होती ना? डोसा के साथ भी होता है। ज़्यादातर yes. चाय वगैरह के साथ में भी लेते हैं? नहीं। तेरा रो क्यों रहा है? मर्द बन मर्द क्या हुआ? कपूर शर्मा हमारे मांग पे सिंदूर देखा क्या? मर्द ही बन के आया यार। और ज्यादा हम मर्द बनेंगे दो दो कच्चे पहन ले। अर्जुन ऐश्वर्या ये बच्चा है पता नहीं किसका है इधर आता है अर्जुन जी नमस्ते ऐश्वर्या नमस्ते एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है बताइए कैसे कैसे खड़ी होगी समस्या सोफे पे बैठी थी हमारे सम्मान में हमारे आते ही खड़े हो गए यार कैसे क्या खड़े यार सर आई टेल यू व्हाट हैपन हमारी ना भैंसिया है फुलझड़िया किडनैप हो गई है सर किसी भैंसे के साथ भागी होगी कपूर शर्मा हमारी भैंसिया के कैरेक्टर के ऊपर इस तरह उंगली मत उठाइए अरे कभी किसी दूसरे भैंसे को ना ऐसे आंख उठा के नहीं देखा हमारी भैंसिया ने सर सच बता रहे हैं हमारी भैंसिया के आसपास अराउंड बहुत सारे भैंसे ऐसे घूमते रहते हैं लेकिन सबसे कह देती है लेकिन सर वो किसी भैंसे को घास नहीं डालती है उसको पता है घास डालेगी सामने भी भैंसा खा जाएगा घास लेकिन उसने हमें साफ साफ कहा है कि उसके जीवन में जो है उसके सपनों का भैंसा कुमार किसी सफेद घोड़े पे आएगा ऐसा सपना है उसका लेकिन भैंसा घोड़े पे बैठ के कैसे आएगा ये यहाँ क्यों आया पुलिस में जाना फिर अरे वहां पर गए थे वो कहते तू बहुत मोटा है तुझे भर्ती नहीं कर सकते मैं भर्ती नहीं कंप्लेंट कर जाके नहीं कंप्लेंट क्या करना मोटे हैं तो हैं उनकी क्या गलती उनका भी ड्यूटी है भैंस की रिपोर्ट लिखा अरे हाँ हाँ रिपोर्ट हाँ रिपोर्ट रिपोर्ट लिखाने हम वो सीआईडी के पास गए थे अरे उधर के एसीपी प्रद्युमन बड़े अजीब हैं हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी भैंसिया दिखती कैसी है हमने कह दिया ओरैंगोटैन जैसी दिखती अरे भैंसिया है ये बात सुनकर सर उस दिन एक सीक्रेट हमको पता चला क्या? उनके पास एक दया है ना वो सिर्फ दरवाजा नहीं तोड़ता है सर हड्डी भी तोड़ देता है देखिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है जा कहीं और जा बच्चा इधर क्यों आया तू अरे बच्चा को तकलीफ होएगा किसके पास जाएगा डैडी के पास ना कहते हैं अगर 1 करोड़ रुपया नहीं पहुंचाया तो भैंसिया के मुंह में बहुत सारा नींबू ठूस देंगे उसका सारा दूध फाड़ देंगे ना हमको घबराहट हो रहा है हमने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है तो कहते हैं भाई अपने फोन के ऊपर नेविगेशन चेक कर ले और कोई रास्ता है कि नहीं है हमने पूछा कि भाई तुम मजाक कर रहे हो तो कह रहा है हाँ मजाक कर रहे हैं और कोई चारा नहीं है अब आप बताइए सर हमारी भैंसिया उनके पास है उनके पास कोई चारा भी नहीं है तो वो खाएगी क्या बेचारी क्या कहेगी चल रोना वही एक भैंस बची क्या दूसरी भैंस लिया नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता है हमारे जो मॉडल है ना हमारा भैंसिया का और किसी के पास है ही नहीं माय भैंसिया बफेट वन ऑफ अ काइंड सी इज सच में उसके मुंह में ऐसे चॉकलेट डालो ना चॉकलेट मिल्क दे देती है स्ट्रॉबेरी डालो स्ट्रॉबेरी मिल्क तो वनीला आइसक्रीम डालो तो वनीला मिल्क अरे कपूर शर्मा बेकार का बात कर रहे हैं यार कभी देखा है किसी भैंसिया को वनीला मिल्क देते हुए तू स्ट्रॉबेरी दे रहा है तो मेरे ही तरफ से आ रहा है स्ट्रॉबेरी से वो अलग बात है कि उसके सामने कभी कोई सोया हो तो सोया मिल्क जरूर दे दे भैंस तेरी किडनैप हुई कैसे बता दो रोई जा रहा पागलों की तरह सर वो एक लंबी कहानी है रहने दो फिर ना सुना स्टार्ट से सुना हुआ क्या सर रात के 3 बजे हुए थे तीनों तरफ अंधेरा था चार तरफ होता है हाँ तो एक तरफ लाइट जल रही थी किसी के घर में 3 तरफ था अंधेरा अभी तो पक्का बात देख के हम भी तबेले में सो रहे थे अचानक हमारा आँख खुलता है और हम क्या देखते हैं क्या देखते हैं बुर्ज खलीफा अरे कपूर शर्मा अचानक आँख खुलेगा तबेले में जो दिखेगा वही देखेंगे ना यार क्या देखते हैं सर हम लेटे हुए थे हम देखते हैं ऐसा 4 पैर हमें लगा कि कोई भैंसा होगा आया होगा हमारी फुलझड़िया से मिलने एंड आई एम ओपन माइंडेड अचानक 4 पैर ना हमने ऐसा पान करके ऊपर देखा इट इज नॉट अ भैंसा 2 आदमी थे हमारी भैंसिया को ऐसा क्लोरोफॉर्म सुखाया खींच के उसको लेके चले गए यार तुमने कुछ नहीं किया हमने किया ना तुरंत उसका दूध निकाला अगले दिन चाय कैसे बनाएंगे
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.